ओके अभी ये फाइंड द वैल्यू ऑफ 15 माइनस 2, ये जो है उसको कैसे सॉल्व करेंगे? अभी आपको स्ट्रेट वे मालूम है, 15 से 2 गया 13 बचा, है ना? तो इतना याद रखना, ये जो साइन है उसके अंदर का जो भी नंबर होगा वो बाहर आएगा तो पॉजिटिव होगा। तो आंसर क्या हुआ आपका? 13। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड है 4 माइनस 9। अभी एक प्लस एक माइनस, तो माइनस करना है, 4 माइनस 9 कितना आएगा? -5। बड़ा नंबर का साइन देना है। तो आपको अभी भी मैंने बोला ये साइन के अंदर पॉजिटिव होने दो, नेगेटिव होने दो, बाहर आने के टाइम पॉजिटिव ही लिखना है, ये याद रखना। थर्ड क्या है? 7 मल्टीप्लाइड बाय -4। अभी आपको डायरेक्टली बाहर निकालना है तो 7 मल्टीप्लाइड, ये देखो ये साइन के अंदर माइनस है, बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा 28। तो आपको आंसर आया 28, समझा? अभी क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व है। अभी उसको कैसे करते देखते हैं। क्वेश्चन है 3x-5=1। तो ये क्वेश्चन है, तो आपको ऐसे लिख सकते हैं 3x-5=+1 और 3x-5=-1, ठीक है? अभी पहले इसको सॉल्व करते हैं। देयरफॉर 3x=1+5, 3x=6, देयरफॉर x=6/3, x=2, ठीक। अभी यहाँ पे और में क्या आता है देखते हैं, 3x=-1-6, 3x=-5, तो -6, तो ये -5 इधर जाके प्लस हो गया, सॉरी। तो ये क्या आएगा? 4। ये 4 आया तो 4/3। तो आपका आंसर क्या मिला? आपको आंसर मिला x=2 और x=4/3। सेकंड देखते हैं, सेकेंड क्या है? 7-2x=5। तो क्या लिखेंगे? 7-2x=5, मतलब +5, और 7-2x=-5। तो ये क्या आएगा? -2x=5-7 और -2x=-5-7। अभी इसको सॉल्व करते हैं, -2x=5-7 क्या आएगा? -2। तो x=2 क्या आएगा? -2/-2, x=1। अभी यहाँ पे देखते हैं, -2x=-12, तो x=-12/-2, तो x=6, x=1 और x=6। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है? 8-x/2=5। तो क्या होगा? 8-x/2=+5 और 8-x/2=-5। और अभी ये आप मल्टीप्लाई करके ये होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 minus x = 5 to the 10 और 8-x = -10, -5 है ना? तो -x = 10 - 8, ये देखो 8 इधर जाके, तो -x = 2, देयरफॉर x = -2। अभी और देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा? -x = -10 - 8,
minus x is equal to minus 18. Therefore, x is equal to 18. ये माइनस टू और माइनस 18. अभी इसको कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे 5 प्लस एस अपॉन 4 इज इक्वल टू प्लस 5 और 5 प्लस एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस 5. पहले इधर का सॉल्व करते हैं, ये प्लस 5 को इधर जाके हम लोग माइनस कर सकते हैं. एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 5. देयरफॉर एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय 4. एक्स इज इक्वल टू 0. इधर का करते हैं, x अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस 5, ए प्लस 5 इधर जाके माइनस हो गया, तो x अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस 10. तो देर को x इज इक्वल टू माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो x इज इक्वल टू माइनस 40. तो आपको x इज इक्वल टू माइनस 40 और x इज इक्वल टू 0 ये नंबर मिला, हो गया.